नमस्कार, मैं रविश कुमार। नौकरी सीरीज का 30वां अंक है। नेता और नौजवान आमने सामने हैं। नेता अपना मंच चुन लेते हैं और युवाओं पर भाषण दे देते हैं। नौजवान जब अपना मैदान चुनता है तो उनके बीच कोई नेता नजर नहीं आता। इस देश में आदमी का आदमी नंबर बन गया है, मगर कितनी नौकरी मिलती है, कितनों की जाती है, इसका कोई ठोस आंकड़ा नहीं है। आधार नंबर बन गया, इसलिए गोलमोल की बात कर नेताजी गोलमाल कर जाते हैं। भारत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी पर ही बात नहीं हो रही। चुनाव आने वाले हैं और युवाओं को बेवकूफ बनाने के लिए ऐलान किया जा रहा है कि 3-4 लाख बहालियां होंगी। हो यह रहा था कि सरकारों ने नौकरियां देनी बंद कर दी थी या कम कर दी थी। अब सरकारों के पास 3-4 लाख भर्तियां कराने का ढांचा ही नहीं है, सिस्टम नहीं है, इसलिए 4 लाख बहाली का ऐलान पहली खबर तो है, मगर किसी को पता नहीं कि बहाली कब होगी। रेलवे में ही जो भर्ती निकलती है उसमें पूरे होने में 2-4 साल लग जाते हैं। हमने नौकरी सीरीज के तहत देखा कि कोई परीक्षा 2-3 साल से पहले किसी भी राज्य में पूरी नहीं होती। सबको बीच रास्ते में इधर उधर भटकाकर लटका दिया जाता है, इसलिए नौजवान परेशान है। हर तरह का भाषण सुन चुका है नौजवान, मगर परीक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं देख पाता। आने वाले महीनों में 4-5 लाख भर्ती वाली खबरों की हेडलाइन आपको हिंदी और अंग्रेजी के तमाम अखबारों में मिलेगी, मगर नौकरी मिलने वाली हेडलाइन आपको कभी नजर नहीं आएगी। इसलिए सतर्क रहिए। सवाल ये कीजिए कि क्या आप यानी सरकार 6 महीने के भीतर बहाली की प्रक्रिया पूरी करके दिखा सकते हैं, तब हम ताली बजाएंगे, वरना सवाल करते रहेंगे। हेडलाइन मैनेजमेंट से बेरोजगारी दूर नहीं होती, ना ही स्लोगन में स्वर्ग होता है। आप नौकरी सीरीज का कोई भी एपिसोड निकाल कर देखिए, ndtv.in पर है, 300 अंक मिल जाएंगे। एक ही बात है, एक ही जगह सारी समस्याएं आपको नजर आएंगी। मंगलवार 20 मार्च को मुंबई के सेंट्रल रेलवे लाइन पर हजारों की संख्या में रेलवे अप्रेंटिस आदम के 3.5 घंटे तक इस ट्रैक पर आवाजाही रुक गई। इसके कारण मुंबई के यात्रियों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। किसी को रोक कर आप अपने लिए रास्ता नहीं बना सकते, इसलिए अच्छा होता इस तरह से रेल की पटरी पर आंदोलन नहीं होता। आप ये न समझें कि ये सभी मुंबई या महाराष्ट्र के हैं। इस आंदोलन के लिए पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात से भी नौजवान इसमें आए हैं मुंबई। 12 मार्च को इन्होंने ऑल इंडिया रेलवे जोन के महाप्रबंधक को पत्र लिखा था कि वे चाहते हैं कि रेलवे जिन्हें ट्रेनिंग देती है उन्हें नौकरी दे ट्रेनिंग के बाद। हुआ यह है कि पिछले साल जून में रेलवे ने नीति बनाई कि अपने अप्रेंटिस के लिए जून या अगस्त में 20% ही सीट रिजर्व रहे, बाकी को खुली प्रतियोगिता से अंदर आना पड़ेगा। नौजवान चाहते हैं कि एक तो अप्रेंटिस की बहाली कम हो गई है, वे ट्रेनिंग के बाद से इस इंतजार में थे कि रेलवे बहाली करेगी क्योंकि इन्हें पहले ट्रेनिंग दी गई है, अगले दिन से ये काम करने लगेंगे। 3 घंटे बाद जब लिखित आश्वासन मिला, वो भी सादा कागज पर। देखिए, सरकारों का अपने नौजवानों से इस तरह की चतुराई है, सादे कागज पर ये लिख के दे रहे हैं कि 2-3 दिनों में फैसला लिया जाएगा। तब लेकिन फिर भी इन्होंने धरना समाप्त कर दिया, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और खबर है कि इनकी तरफ से भी पत्थर चलाए गए। सिर्फ बीजेपी के कम से कम 60-70 एमपी और एमएलए ने इस रेल मंत्री जी को, श्री पीयूष गोयल जी को लेटर लिखा है और कई टाइम हमारे इधर के खासदार आमदार लोगों ने मीटिंग फिक्स की है रेल मंत्रालय में और रेल मंत्री जी से रिक्वेस्ट की है कि भाई इनको पुराने रूल से, जिस रूल से आपकी सरकार आने के बाद अपने सेंट्रल रेलवे में 700 बच्चों को ज्वाइनिंग दी है, उस रूल से आप इनको लो क्योंकि अनफेयर हो रहा है। क्योंकि आपकी केंद्र की सरकार है, कोई स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं है, केंद्र की सरकार है तो फिर आप एक स्टेट का भला कर रहे हो और बाकी बच्चों का क्या, अदर जोन का क्या। तो इसलिए सबने मांग की लेकिन रेल मंत्री जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जो हमें रैली तक बुलाया गया, हमें कानपुर से लेके गोरखपुर से लेके सब जगह हमें बुलाया गया, सब लड़के को बुलाया गया, हमें ये बोला गया कि दिसंबर तक आपका काम हम पूरा करके देंगे, आपको किसी को भी किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, हम सब करके दे देंगे, इतना तक बोला गया। हमारा फ़ायदा उठाया गया, हमें यहाँ बोला, वहाँ खड़े रहने बोले, वहाँ धूप में खड़े रहने बोले, हम खड़े थे 1-1 घंटा, नहीं सर 5-5 घंटा, 6-6 घंटा, 1-1 दिन हम लोग खड़े रहे, खाने के वांदे हो गए थे तो भी खड़े थे हम लोग। 3-4 साल से गवर्नमेंट ने रेलवे में एक भी भर्ती नहीं निकाली, ये इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि गवर्नमेंट अप्रेंटिस बच्चे लोग से 3-4 साल से फ्री में मतलब काम करा ले रही है। 2500, जिनकी सैलरी 18,000 से लेके 20,000 सैलरी है महीने की, और हमको 2500 से 3,000 रुपये दे के महीने का काम करा के 4 साल से गवर्नमेंट ऐसी करती जा रही है। इससे अच्छा होगा कि गवर्नमेंट शायद अप्रेंटिसशिप ही बंद कर दे रेलवे में,
बच्चे ना अप्रेंटिसशिप करेंगे, डायरेक्ट टेंथ के बेस पे ग्रुप डी में एग्जाम देंगे और एग्जाम देके आएंगे। और प्लस हमको अप्रेंटिसशिप में हमसे एग्जाम भी लिया जाता है। हम 2 साल की ITI करने के बाद भी एग्जाम देते हैं, 1 साल की अप्रेंटिसशिप करने के बाद भी हम एग्जाम देते हैं, प्लस मेडिकल भी देते हैं। अगर सब हम मेडिकल भी देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी देते हैं और एग्जाम भी देते हैं, तो ग्रुप डी में खलासी की भर्ती के लिए हमको वापस से एग्जाम देना क्यों है? जैसे 2012 के पहले जैसे हमें रेलवे सरकार गवर्नमेंट हमें जैसे डायरेक्ट लेती थी और उसी तरीके से हमको वापस से लिया जाए। पोल खुल रही है ना, विज्ञापन में स्वर्ग नहीं होता। क्या ये बात तर्कसंगत नहीं है कि रेलवे ने जिन्हें 1 से 3 साल की ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के लिए प्रतियोगिता परीक्षा से ही इनका चुनाव किया, तो रेलवे को इन्हें काम भी भीतर की प्रक्रिया से देना चाहिए था जो पहले दिया जा रहा था। इन्हें रेल का पहिया बनाने की ट्रेनिंग मिली हुई है, ये बाहर दुकान तो खोल नहीं सकते क्योंकि बाहर रेल की पहिया का कोई बनाने तो आता नहीं है। देखा है आपने कभी? क्या आपको इनकी बात में दम नहीं लगता? आप जानते हैं कि रेलवे में 2,20,000 पद खाली हैं। मंत्रालय ने रेलवे पर संसद की स्थायी समिति से कहा है कि सारे पदों को अब भरने का इरादा नहीं है। देखिए, ये खुद कह रहे हैं लिख के कि उनका इरादा नहीं, कुछ पदों को आउटसोर्स किए जाने पर विचार चल रहा है। अगर सारे पद भरे जाने लगे भी तो भी ये 20,000 भी घंटे में एडजस्ट हो सकते हैं। हमारे सहयोगी सुनील कुमार सिंह, सोहित मिश्रा, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ये चाहे भी तो भी नहीं पूरा कर सकते 2,20,000 की नौकरी। सोहित मिश्र घटना को कवर कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि सरकार को इनके प्रदर्शन की जानकारी नहीं थी। 12 मार्च को रेलवे अप्रेंटिस ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बीजेपी ऑफिस के सामने धरना दिया। येदुरप्पा भी इनसे मिलने गए, कहा कि रेल मंत्री से बात करेंगे। नौजवानों ने येदुरप्पा के आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिया, मगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो 19 मार्च से वे उसी शहर में रेलवे के DRM के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं ये लड़के। इनका दावा है कि 2,000 से अधिक नौजवान वहां हैं। वैसे वे भारत भर में बेरोजगार अप्रेंटिस की संख्या 20,000 बताते हैं। ज्यादातर 2010, 12, 14, 16 के पास आउट हैं और इस बीच 2016 के साल में मुंबई में 699, गोरखपुर में 45, नॉर्दर्न रेलवे में 13 अप्रेंटिस रखे गए, मगर बाकी बेरोजगार घूम रहे हैं। येदुरप्पा ने जब आश्वासन दिया, इन नौजवानों ने ऑल इंडिया रेलवे जोन को भी सूचना दे दी कि इनकी मांग पर सुनवाई नहीं होगी तो आंदोलन करेंगे, अगर फिर भी किसी ने चिंता नहीं की। दरअसल नौजवान जब आंदोलन करते हैं तो सरकारें सोचती हैं कि इन्हें कौन कवर करेगा, टीवी में किनारे कर देगा, इन्हें थोड़ी पता था कि कोई ऐसा एंकर आएगा 30-40 दिन तक यही करता चला जाएगा। 2 दिन हंगामा करेंगे, फिर मीडिया किसी सांसद के सांप्रदायिक बयान को लेकर व्यस्त हो जाएगा। आप चैनल बदल कर देखिए, आपके बच्चों को डॉक्टर की जगह दंगाई बताने के कितने टॉपिक चल रहे हैं। जरूरी नौजवानों को रेल नहीं रोकनी चाहिए थी, लेकिन क्या इनकी बात किसी को सुननी नहीं चाहिए थी? पिछले अगस्त ये रेलवे अप्रेंटिस दिल्ली आए थे। 10 अगस्त से 21 अगस्त के बीच जंतर मंतर पर जमा हुए। इनकी जेब में पैसे नहीं थे, हालत खराब हो गई तो कुछ 2-3 दिन में ही बीमार पड़कर वापस चले गए। बाद में गुरुद्वारा रकाबगंज की तरफ से इनके खाने पीने का इंतजाम किया गया, तब जाकर ये आंदोलन पर डटे रहे। तभी मैं इनके बीच गया और इनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। ये सभी उस वक्त काले कपड़े में आए थे ताकि मीडिया कवरेज के हिसाब से विजुअल एलिमेंट खुद को बना सके, मगर कोई मीडिया नहीं आया। क्या आप एक नागरिक के तौर पर इसका हिसाब रखना चाहेंगे कि वोट देने के बाद जब सरकार के सामने जनता आवाज उठाती है तो वो सरकार उनकी आवाज सुनती है या नहीं? अगस्त 2017 से पहले ये जनवरी 30-31-2017 को भी आंदोलन कर चुके हैं, उससे पहले दिसंबर 2016 में भी आंदोलन कर चुके हैं। आप ही बताइए, जिस रेलवे से ट्रेनिंग ली हो वही रेलवे नौकरी ना दे और जब सवाल करें तो किसी को फर्क ना पड़े, क्या ऐसा होना चाहिए? आपकी क्या दुश्मनी है इन लड़कों से? हमने जब पिछले साल दिखाया था तब इन्हें यकीन नहीं हुआ कि प्राइम टाइम में कोई दिखा देगा। आज सब हमारे सहयोगी सुनील कुमार सिंह इनसे जब बात कर रहे थे तो नौजवान भावुक हो गए। देखिए, अगर मीडिया समाज के खिलाफ हो जाता है, उसका गला घोटता है, तो आदमी कितना असहाय हो जाता है। आज का गोदी मीडिया जनता के खिलाफ हो गया है। तहे दिल से आपको बधाई है सर, हमारे तरफ से। आप ही के कारण आज हम यहाँ इकट्ठा हो पाए और आपके ही ताकत और जुनून की वजह से आज हम अपने हक की लड़ाई पहुँचे हैं सर, लड़ रहे हैं। धन्यवाद सर, आप ही ने हमें सपोर्ट किया था फर्स्ट टाइम जब हम दिल्ली पे बेरोजगार बैठे थे, जब कोई हमें सुन नहीं रहा था, कोई मीडिया हमारे पास नहीं आ रहा था हमारे दर्द को सुनने। तिरस्कार हो रहा था सर, हमारा तिरस्कार। थैंक यू रवि सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपने प्राइम टाइम में सपोर्ट दिया, साथ दिया। स्पेशल थैंक्स सर, स्पेशल थैंक्स आपके नए मॉडल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। दरअसल शुक्रिया इन लड़कों का जिन्होंने मुझे ये समझाया कि खबर ये है, ना कि नेता का फर्जी बयान।
आप जानते हैं कि रेलवे ने इस साल करीब 90,000 भर्तियां निकाली हैं, मगर आप ये नहीं जानते कि इन भर्तियों को पूरा करने का ढांचा है या नहीं और कितने साल में भर्तियां पूरी होंगी। क्या आपको पता है कि रेलवे के पास 2,20,000 से अधिक वैकेंसी है, मगर रेलवे ने कहा है कि उनका इरादा भरने का नहीं है। ये हाल है, आज अगर रेलवे सभी पदों की बहाली का ऐलान कर दे तो भी वो 3 साल से पहले भर्ती नहीं कर सकती। इस आंदोलन पर रेल मंत्री का बयान भी सुन लीजिए। भारतीय रेलवे में वर्तमान में व्यापक स्तर पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों व कानून का पालन करते हुए भारतीय रेलवे ने एक नीति बनाई है जो कि एक निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक भर्ती की प्रक्रिया सुनिश्चित कर रही है। हमारे द्वारा पहले से ही 20% पदों को कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस के लिए आरक्षित किया गया है, जो अप्रेंटिस अधिनियम के तहत रेलवे प्रतिष्ठानों में शामिल थे। यह निर्णय अप्रेंटिसेस एक्ट के धारा 22(1) और समय समय से आए माननीय सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के अनुसार लिया गया है। वह अप्रेंटिसेस जिन्होंने प्रशिक्षण पूरा किया है, उन आवेदकों को प्रशिक्षण की अवधि के बराबर आयु में भी छूट भी दी गई है। लिख कर पढ़ रहे हैं रेल मंत्री, पता चल रहा है कि पहली बार शायद पता चल रहा हो। वैसे वो ऐसे ही एक्सटेम्पोर बोलते हैं। रेल मंत्री कहते हैं कि 20% रिजर्व रखने की नीति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनी है, लेकिन अप्रेंटिस कहते हैं कि रेलवे की अपनी बनाई हुई नीति है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसका संबंध नहीं है। अब हमारी इस पर कोई राय नहीं है क्योंकि मेरे पास दोनों की बात को सही या गलत कहने के लिए तथ्य नहीं है, बस एक पत्र है, इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। इस वक्त भारत में बेरोजगारी, नौकरी, परीक्षा प्रणाली की जर्जर हालत के अलावा कोई दूसरी खबर नहीं है। अगर ये खबर पहले पन्ने पर नहीं है तो युवाओं को अखबार पढ़ना बंद कर देना चाहिए और टीवी देखना बंद कर देना चाहिए। आप सोचिए, आगरा के बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्रों पर इस वक्त क्या बीत रही है। रिजल्ट नहीं आया, 1 साल लेट है, लिहाजा जो भर्ती निकली है यूपी में उसके लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते जिसकी परीक्षा वो 1 साल पहले दे चुके हैं। वे भी कितना हिंदू मुस्लिम डिबेट देखेंगे, और करते थे। कई लड़कों ने फोन करके कहा कि हाँ वो हिंदू मुस्लिम डिबेट कर रहे थे, अब नहीं करेंगे। दिन भर आगरा से हताश मायूस छात्रों के फोन आ रहे हैं कि हमारा रिजल्ट निकलवा दीजिए, मेरा काम यही है। क्या मैं परीक्षा आयोग हूं? क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चों को भी यही सजा मिले, और किस बात की सजा मिले? हम एक सिपाही का इम्तहान नहीं करा पा रहे हैं बिना चोरी और धांधली के। 20 मार्च को ही राजस्थान में सिपाही भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी गई, वहां के अखबारों में एक खबर छपी है। राजस्थान सरकार ने 18 अक्टूबर 2017 को 5500 सिपाहियों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला। सामान्य श्रेणी के छात्रों से 400 रुपए लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों से 300 रुपए लिए। विपक्ष में अगर दम होता तो फ्री मुफ्त परीक्षा की मांग कराते और फीस माफ कराते, लेकिन विपक्ष बुजदिल हो गया है। इतना पैसा देकर 4 महीने बाद जब मार्च 2018 में इम्तहान हुआ तो वो नकल के कारण रद्द हो गया। इस तरह हर परीक्षा निकलने के वक्त हेडलाइन बनती है, रद्द होने के वक्त हेडलाइन बनने के बाद धीरे धीरे गायब हो जाती है। युवाओं का कितना समय बर्बाद हो रहा है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है कि 16 लाख अभ्यर्थी प्रभावित होने जा रहे हैं। 15 मार्च के भास्कर में खबर छपी है कि मुख्यमंत्री ने ऐसा ऐलान किया कि इस साल दिसंबर तक सारी भर्ती पूरी हो जाएगी, और पहली ही भर्ती रद्द हो गई। आप देखते चलिए कितनी भर्ती पूरी हो रही है, हर जगह नोट कीजिए। जब हम 5500 पदों पर बहाली समय से बिना चोरी के नहीं करा सकते, तो क्या आपको लगता है कि रेलवे में 90,000 या 1 लाख पदों की बहाली बिना 3-4 साल के हो सकती है? कई बार लगता है कि सरकारें ही ऐसी ढील छोड़ती हैं कि मामला रद्द होता रहे, रद्द ना हो तो मुकदमे में फंस जाए। INLD के सांसद हैं दुष्यंत चौटाला हरियाणा से। श्रम मंत्री से सवाल पूछा कि पिछले 3 साल में बेरोजगारी की वृद्धि दर क्या है, उस दौरान नौकरी देने का क्या लक्ष्य रखा गया है, उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई, तो श्रम मंत्री ने जवाब दिया कि सरकार द्वारा कोई लक्ष्य नहीं रखा गया, तो बात ही समाप्त हो गई। तथापि रोजगार सृजन एवं नियोजन जियत में सुधार, पता नहीं क्या लिखा हुआ था,
सुधार करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है, नियोजन वाली योजनाएं स्कीम्स हैं। इस जवाब के साथ बहुत सारी नीतियां गिना दी गई, वही मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, इंडिया इंडिया, मगर उनके कारण कितनों को रोजगार मिला है इसका कोई आंकड़ा नहीं है। स्लोगन याद है, आंकड़ा याद नहीं है। स्लोगन में स्वर्ग नहीं होता। क्या सरकार के पास बताने लायक आंकड़े नहीं है या फिर आंकड़े हैं ही नहीं, ये तो अगले चुनाव के स्लोगन से ही पता चलेगा। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से ये लड़के कई बार मुंबई का चक्कर लगा चुके हैं। 19 मार्च को एनडीटीवी मुंबई दफ्तर पहुंच गए, हमारे सहयोगी सोहित से मिले, फिर 20 मार्च को दोबारा आ गए। ये बच्चे दिल्ली आकर प्राइम टाइम के लिए अपनी कहानी बताना चाहते थे, मगर इनके पास पैसे नहीं दिल्ली आने के लिए, इसलिए मुंबई स्थित हमारे दफ्तर गए। करीब 450 की संख्या में ये छात्र महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड महाजेनको में अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। 2014 में डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 212 पद का विज्ञापन निकला, जिसके लिए 17,000 छात्रों ने अप्लाई किया, 500 रुपए देकर फॉर्म भरा। 11 जनवरी 2015 में लिखित परीक्षा हुई, 20 मार्च 2015 को रिजल्ट आया, 450 लोग पास हुए। जब लगा कि सरकारी मिल जाएगी तो इनमें से बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों में काम करने वालों ने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि सरकार का भरोसा तो होता ही है। लेकिन एक छात्र ने 4 जून 2016 को केस कर दिया। इन छात्रों ने केस करने वाले छात्र से संपर्क किया, समझाया कि सरकार तो सिर्फ डेट ले रही है, अदालत में मुकदमा तो लड़ नहीं रही। उस लड़के ने अपना मुकदमा वापस ले लिया और उसके बाद जुलाई 2017 में इनके पक्ष में अदालत का फैसला आया। जुलाई 2017 से मार्च 2018 अब समाप्त होने जा रहा है, ये अपनी ज्वाइनिंग के लिए दर दर भटक रहे हैं ये लड़के। अब बताइए इन लड़कों ने किसका क्या बिगाड़ा है जो इनको ये सजा मिल रही है? क्या आप इन्हें इस हालत में देखना चाहते हैं? आप निर्णय कीजिए। हम लोग सर डिप्टी एग्जीक्यूटिव के लिए आए हैं सर, तो एडिशनल एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का सर पूरा लोगों का ज्वाइनिंग भी हो चुका है, सिर्फ हमारा ही सर 4 साल हो गए अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ। इसमें एक्चुअली सर रिटर्न एग्जाम हो गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स है उन्होंने कोर्ट केस किया था, जो सर 1 से 2 साल चला। उसी में वो केस के दौरान भी सर महाजनको का उसमें रवैया बिल्कुल सही नहीं था सर। हम लोगों ने दोनों तरफ से फॉलो अप लेके लड़के की तरफ से और महाजनको की तरफ से वो केस को जल्दी निपटाए सर। हम लोग यानी हम लोगों के वर्किंग की वजह से ही वो जल्दी हुआ है सर, नहीं है तो और वो लंबा होता जाता सर। और इस बीच सर हम लोग बहुत लोगों से मिले सर, पावर मिनिस्टर से मिले, महाजनको के MD से मिले, ED HR सभी से मिले सर, बट सब यही कहते हैं 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। कोर्ट केस होके भी 1 महीना हो गया है, 7 महीने हो गए फिर भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही केस एडिशनल एग्जीक्यूटिव के समय था, बट उसके 1 महीने के बाद ही उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी। जो इतना डिले हुआ रिक्रूटमेंट, उस वजह से इतना सफर कर रहे हैं हम सर, कि अभी भी 4 साल होते हुए आ रहे हैं लेकिन कोई भी रिक्रूटमेंट अभी हुआ नहीं है सर। और पूरा फैमिली डिस्टर्ब है अभी, ऐसा है सर फैमिली जो डिसीज से हम स्ट्रगल किए उसमें मेरा फाइनेंशियल पूरा वीक हो गया है, इसलिए मुझे बहुत कम सैलरी में भी जॉब करना पड़ रहा है सर अभी, और इसके मैं इतने इसमें वेट कर रहा हूँ कि कब आ जाए और कब मेरी फैमिली सेट हो जाए। क्या आपने दुनिया में कहीं सुना है कि सरकार के यहाँ नौकरी की परीक्षा पास करने के बाद 7-7 महीने से ज्वाइनिंग नहीं हो रही? कहीं सुना है आपने? किस बात का इन नौजवानों से बदला लिया जा रहा है? क्या सरकारें झूठ बोल रही हैं, धोखा दे रही हैं इन्हें? जिस तरह से उस लड़के ने कहा कि नौकरी देने के नाम पर रैलियों में 6-6 घंटे तक खड़ा रखा गया और नौकरी नहीं दी गई। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी यही हाल है, अभी भी हजारों छात्रों को अगस्त 2017 में परीक्षा पास करने के बाद ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, जबकि हमारी सीरीज के बाद 15,000 से ज्यादा छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर मिलने की प्रक्रिया शुरू हुई है और मिली है। CAG के सहायक ऑडिटर के लिए 1,000 के करीब छात्र ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं, रोज पत्र लिखते हैं, सर आज भी उठा दीजिए, नहीं बर्दाश्त हो रहा, कैसे रहें, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बाहर छात्र कई बार परीक्षाओं में धांधली को लेकर बड़ा आंदोलन कर चुके हैं। संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट भी आई है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर, कर्मचारी चयन आयोग पर 2,220 कोर्ट केस हैं। तो सवाल आता है कि कोर्ट में केस की सुनवाई तेज कीजिए, इसका प्रयास कीजिए, क्योंकि इससे नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, सिंपल बात है। फिर आप जजों की वैकेंसी का हाल सुनेंगे तो आज खाना नहीं खा पाएंगे, लगेगा ही नहीं कि स्लोगन के अलावा इस देश में कुछ हो भी रहा है। संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 साल में SSC के जिम्मे 20 गुना से अधिक छात्रों की परीक्षा लेने की जिम्मेदारी आ गई है। सोचिए 20 गुना, 2008-2009 में के दौरान SSC के इम्तिहानों में करीब 10 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। बेरोजगारी देखिए कैसे विस्फोट हुआ है, 2016-17 में
एसएससी के इम्तिहानों में शामिल छात्रों की संख्या 2 करोड़ हो गई है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को संभालने के लिए कर्मचारियों की संख्या जस की तस है। 10 साल से आयोग के कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 481 पर अटकी है। इसमें से भी इस वक्त 115 पद खाली हैं, यानी 24% पद खाली हैं। यह आयोग अपने भीतर कर्मचारियों को समय से नहीं भर पाता, आपके बच्चों को क्या नौकरी देगा। 2 करोड़ छात्र एसएससी के इम्तिहान में शामिल होते, इसके कारण 2 करोड़ छात्रों की जिंदगी प्रभावित होती है, फिर भी इसके छात्रों की समस्याओं को मीडिया कवरेज नहीं देता, नेता इसके बारे में प्रमुखता से बात नहीं करता। जब ये सब काम नहीं हो रहा तो काम क्या हो रहा है। नौकरी सीरीज और इनके अपने आंदोलन के कारण आज आप एसएससी के बारे में जानते हैं और खुद मैं, मगर आप देखिए कि बेरोजगारी बढ़ाने के लिए सरकार ने ही सारा इंतजाम किया हुआ है। वही चाहती है कि बेरोजगारी बढ़े ताकि सांसद जी बयान दें कि मंदिर के लिए शहादत देनी है। अगर इस पर चर्चा नहीं होगी तो यह कैसे बदलेगा, कब बदलेगा। अब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बैंक सीरीज और बनारस कविता के बारे में मैं सुनाऊंगा आपको केदारनाथ सिंह की कविता। आप देख रहे हैं बैंक सीरीज का 14वां अंक। हमारी सीरीज के कारण कई बैंकों में रीजनल मैनेजरों ने मोबाइल फोन पर मैनेजरों को गाली देना बंद कर दिया है, क्योंकि मैंने उनकी कई रिकॉर्डिंग सुनी है और कभी दिखा देने की बात भी कही है, मगर टारगेट का तनाव देने में कोई कमी नहीं आई है। बैंकर 21 मार्च को देश के कई जगहों सहित दिल्ली में भी प्रदर्शन करने वाले हैं। बैंकों में काम करने वाले भूतपूर्व सैनिकों की भी अपनी समस्या है। उनका कहना है कि उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। उनकी सैलरी बैंक मनमाने तरीके से फिक्स कर लेते हैं, कभी घटा देते हैं, कभी रिकवरी कर लेते हैं। सेना का जवान जब गार्ड की नौकरी करने के लिए आता है तो उसका ग्रेड कम कर दिया जाता है, कम सैलरी पर रखा जाता है, ठेके पर रखा जाता है। हम विस्तार से बैंक सेक्टर में काम कर रहे भूतपूर्व सैनिकों की समस्या को दिखाएंगे, तब शायद गोदी मीडिया इसे आंदोलन के रूप में कवर करने लगे, क्योंकि सेना का अपमान गोदी मीडिया एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकता, जबकि सच्चाई है कि सेना का इस्तेमाल करता है अपनी नाकामी और चापलूसी छिपाने के लिए। आप जानते हैं कि भारत में ग्रामीण बैंकों का भी सिलसिला है। एनडीटीवी दिल्ली के पते पर कई ग्रामीण बैंकरों ने हाथ से लिखकर शपथ पत्र भेजे हैं कि वे हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करेंगे, कर रहे थे मगर अब छोड़ दिया है, इसलिए आज हमने इनकी समस्या कवर करने का फैसला किया है। आपको हाथ से ही लिखकर शपथ पत्र एनडीटीवी के दिल्ली ऑफिस भेजना पड़ेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों का धरना था। भारत भर में 56 ग्रामीण बैंक हैं और इसके 23,000 ब्रांच हैं। ग्रामीण बैंक में 50% केंद्र सरकार की हिस्सेदारी, 35% हिस्सेदारी स्पॉन्सर बैंक की होती है और 15% राज्य सरकार की। ग्रामीण बैंकों में 80,000 कर्मचारी काम करते हैं। इनमें से दुख हुआ मुझे जानकर कि बैंक से जो रिटायर हुए हैं 30,000, इन्हें पेंशन के नाम पर मात्र 1,800 रुपए मिलते हैं। क्या आप 1,800 रुपए में के पेंशन पर जी कर दिखा सकते हैं, इनकी तकलीफ समझिए। ग्रामीण बैंकों के भीतर सुविधाएं बहुत खराब हैं। इन बैंकों में किसान और गरीब तबके के लोग जाते हैं, ये लोग कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं जिसकी सुनवाई की तारीख बढ़ती रहती है। 1991 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक ट्राइब्यूनल बना था कि कमर्शियल बैंक और ग्रामीण बैंक के अफसरों और कर्मचारियों का काम एक जैसा है, सरकार ने भी स्वीकार किया, लागू कर दिया। 6ठे वेतन आयोग में बैंकिंग सेक्टर में पेंशन लागू हुआ मगर ग्रामीण बैंक में लागू नहीं हुआ। कई लोगों की वाकई हालत बहुत खराब है, सम्मान के साथ जीना मुश्किल है। पिछले 10 साल में 30,000 लोग रिटायर हुए, 1,800 के महीने पर जी रहे हैं। राजस्थान कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश है कि कमर्शियल बैंक की तरह इन्हें भी पेंशन मिले, मगर भारत सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है। बताइए उसे क्या दिक्कत है अपने ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को पेंशन देने में, अपने ही लोग हैं ये, ताकि ये सम्मान से जिए। वोटर और जनता की पूछ सिर्फ 3-3 घंटे के भाषणों में ही रह गई है। यही अपना हक मांगने के लिए हम आए, कंडीशन में काम करते हैं, अगर वो वहाँ की स्थिति आप लोग देख ले, न्यूज चैनल के मंत्री नेता देख ले, तो वो वर्किंग कंडीशन ऐसा है कि वहाँ पे हम लोग सांस भी नहीं ले सकते, सांस भी नहीं ले सकते। ना पंखे की, ना पंखा है, ना कूलर है, ना टीवी है, ना लाइट है, ना हम लोग पूरे गर्मी में पसीने से भीगे रहते हैं, पूरे गर्मी में पसीने से हम लोग भीगते हैं, और हम उन लोगों की सेवा करते हैं जहाँ ना कोई प्राइवेट बैंक पहुँच सकता है कभी, और ना कोई लाइट बैंक पहुंच सकता है। हम लोग गरीब से गरीब जिनको खाने का पैसा नहीं है वो हम लोग सेवा करते हैं, वो अपना विड्रॉल के बाद वो अपना विड्रॉल भी नहीं भर सकते।
दिल्ली आए ग्रामीण बैंक वालों का कहना है कि ग्रामीण बैंक के निजीकरण का प्रयास हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। ग्रामीण बैंक में मृत्यु होने के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी नहीं दी जाती है, ऐसी शिकायत तो देश भर से आ रही है कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी देनी बंद कर दी गई है। इनका 10-10 साल तक कोई प्रमोशन नहीं होता। जब आप इन किस्सों के जरिए भारत को देखेंगे तो न्यूज चैनलों को गोदी मीडिया में बदलकर जो तस्वीर पेश की जाती है वो तस्वीर हवा हो जाएगी। मुझे भी समझ नहीं आता कि इतनी तकलीफ है तो खुश कौन है स्लोगन देने वाला। आप जानते हैं कि बैंकों को बीमा पॉलिसी बिकवाने के सेक्टर में बदल दिया गया है। बैंकर अगर टारगेट के हिसाब से पॉलिसी नहीं बेच पाता तो उसे रात के 9 बजे तक बैंक में रोक कर रखा जाता है। अगर मानवाधिकार आयोग या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चाहें कि बैंक की रिकॉर्डिंग निकलवा कर देखना शुरू कर दें कि महिला बैंकरों को, पुरुष बैंकरों को भी, उनकी तकलीफ और ज्यादा है महिलाओं की, कि किस तरह से 9-9 बजे रात तक रोका जा रहा है। उनके बच्चे घर में तड़प रहे हैं, बीमार हैं, मगर 9 बजे तक उसे नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि उसने फर्जी तरीके से धोखा देकर फुसलाकर 4 अटल पेंशन बीमा योजना नहीं बेची है। पुरुष बैंकरों की भी यही कहानी, वे अपने बच्चों से पूरे हफ्ते महीने महीने नहीं मिल पाते। दिल्ली में टीटस अब्राहम ने हाईकोर्ट में केस किया है कि बैंकरों का बीमा पॉलिसी बेचना गलत है। इनकी याचिका में कहा गया है कि बैंक का काम बैंक प्रोफेशनल करें, बीमा का काम बीमा प्रोफेशनल करें। अब्राहम की पत्नी ने कार खरीदी तो लोन के साथ बीमा लेने पर मजबूर किया गया। जब पत्नी की मौत हुई तब बीमा का क्लेम नहीं मिला। कार खरीदने वक्त मेडिकल सर्टिफिकेट तक नहीं मांगा और बीमा बेच दिया। मौत के बाद क्लेम नहीं दिया क्योंकि बीमारी पहले से थी और यही बहाना बनाया गया। कानूनन बैंक बीमा बेच सकते हैं लेकिन इनके वकील ने याचिका में दावा किया है कि कैसे वो गलत हैं। फैसले का इंतजार कीजिए, मगर कहानी यही है। गरीब से लेकर अमीर तक को जबरन बीमा पॉलिसी बेची जा रही है, धोखे से, दबाव से। हमें ये जानकारी livelaw.in की वेबसाइट से मिली। आकांक्षा जैन की रिपोर्ट है। 21 मार्च के प्रदर्शन के लिए युवा बैंकरों ने एक पोस्टर बनाया है जिसे आप भी देखिए। इसमें लिखा है, ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं हम, ना ही सिख ईसाई हैं हम। अर्थव्यवस्था को चलाने वाले एक गुलाम सिपाही हैं हम। गुलाम सिपाहियों की गुलामी की जंजीरें तोड़ो। आप किसी को इतना भी ना सताएं कि वो अपने उस पहचान का ही स्वाहा कर दे जिस पर आज की बोगस राजनीति टिकी हुई है। ब्रेक के बाद कवि केदारनाथ सिंह की बात करेंगे। हम सब जिसे बहुत ज़्यादा चाहते थे आज उसे हमेशा के लिए विदा कर लौटे हैं। केदारनाथ सिंह को इस दुनिया से उस दुनिया की यात्रा के लिए विदा करने सैकड़ों लोग आए। इतने आए कि हर शख्स दूसरे शख्स में घुल मिल गया। जो बड़ा था वो मामूली लग रहा था, जो मामूली था वो उनकी कविता की तरह लग रहा था। अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, अकाल में सारस, सृष्टि में पहरा, बाघ, इन कविता संग्रहों से जो भी गुजरे हैं वो सब आज दिल्ली के लोधी शवदाह में जाने से खुद को रोक नहीं सके। दिल्ली के लोधी रोड शमशान घाट पर अपने कवि को विदा करने हिंदी का संसार उमड़ आया। 84 साल के केदारनाथ सिंह ने निमोनिया से अपनी कुछ दिन चली लड़ाई के बाद सोमवार रात आखिरी सांस ली। हिंदी कविता अचानक फीकी पड़ गई। आखिर केदार इस कविता में बची कुची, ग्राम गंध और इंद्रिकता के बड़े कवि थे। उसको जानने वाले और शुद्ध गद्य में लिखी जाने वाली कविता, यानी ऐसे गद्य में भी वो कविता लिखते थे कि जैसे चीज़ें ऐसे खतरनाक दौर से गुजर रही हैं कि सामने रखी मेज को सीधे मेज कहना उसे अज्ञात अपराधियों के बीच छोड़ देना है। हाँ, तुमने जहाँ लिखा है प्यार वहाँ लिख दो सड़क, फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी पीढ़ी का नारा है, फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे गद्य में लिखी हुई कविताएं और झरने लगे नीम के पत्ते, बढ़ने लगी उदासी मन की, जो कविताएं हमारे दिल में उतर जाती हैं। केदारनाथ सिंह खुद को पूरबिया मानुस बताते रहे। उनकी कविताओं, उनकी भाषा, उनके पूरे साहित्य संस्कार में पूरब की गंध और धूल दिखती रही। बनारस लौटता रहा, बाघ भाषा सीखते रहे। आंच पर पकती रोटी अपनी खुशबू से हर तरह फैलती रही। वो छोटी छोटी बातों के जरिए बड़े सरोकारों को रख रच देने वाले कवि रहे। केदारनाथ सिंह से मेरी मुलाकात तो दिल्ली में हुई जब मैं जामिया में आया 1984 में, लेकिन जाहिर है कि मुलाकात से पहले उनकी कविताएं तो मैं पढ़ता ही रहा और
केदार जी का संबंध बनारस से बहुत गहरा था। बनारस के बारे में लिखा उन्होंने कि यह शहर आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शौक। अब ये शौक की जो पूरी परिकल्पना है ये कबीर से उनको जोड़ती। मैं उनको 8 साल की उम्र से जानती हूँ, जब उनकी पत्नी का पटना में इलाज चल रहा था और वे हमारे यहाँ ठहरे थे, मेरे पिता के बहुत गहरे मित्रों में थे और बहुत लोगों की आंखें बदल गई जाने के बाद, मेरे पिता जल्दी गए, लेकिन उनके सब मित्रों में यही थे जिन्होंने वात्सल्य से लगातार देखा जैसे अपनी बच्चियों को, वैसे मित्र की बच्चियों से उनको, उनका जाना ऐसा लगता है जैसे काबुली वाला मिनी का चला गया। काबुली वाले के झोले में काजू किशमिश अखरोट होते थे, इनके झोले में हजार किस्से कहानियां विश्व भर के संस्मरण। केदारनाथ सिंह ने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे पुरस्कार हासिल किए, उनको प्रधानमंत्री सहित कई बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी, लेकिन वो सबसे पहले आम जन के कवि थे और वो जन उनका सबसे बड़ा पुरस्कार था। केदारनाथ सिंह की एक कविता है बनारस। कई बार लगता है कि बनारस बनारस से ज्यादा उनकी कविता में है। हमने कोशिश की कि कवि की विदाई में कोई कमी ना रह जाए, फिर भी रह गई हो तो माफ कर दीजिएगा। अब जरा तस्वीरों के पीछे से आती आवाज के जरिए उनकी इस कविता को महसूस कीजिए, क्या पता कदा केदारनाथ सिंह बनारस में ही मिल जाए। बनारस, इस शहर में बसंत अचानक आता है, जब आता है तो मैंने देखा है, लहर तारा या मड़वाडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीव किरकिराने लगती है। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वो फेंकने लगता है पचखियां। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर, कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है, एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का खालीपन। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर, इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की एक मध्यम लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को, इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, कि पानी वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊं सैकड़ों बरस से। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्ध, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल
बेखबर।